Still my job. Yes, sir. So what is the procedure? How we can temporarily make the slide of stomata? Yes, yes. We will learn this today. तो हमारे पास ये लीव्स है, कुछ लीव्स लाई है, ठीक है। तो लीव्स को हम जो इपिथीलियम है, ठीक है, इपिथीलियम का हम थोड़ा सा ऊपर से छिलका काटेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसको स्टेन करेंगे, ठीक है। yes, yes, तो यहाँ पे स्टेन जो इस्तेमाल करते हैं वो है सेफ्रन स्टेन, सेफ्रन स्टेन, रेड कलर की स्टेन है, उसको स्टेन करेंगे। तो पहला हमारा काम क्या है, पहला पॉइंट, तो हम लोग इस लीव पे ऐसे स्क्रीन इस तरीके से करेंगे, ऊपर वाला हमें पतला सा कवर आएगा, इस तरीके से इसको हमें उठाना है, केयरफुली इसको उठाना है, क्योंकि ये केयरफुल स्टेप है, छोटा सा पतला वाला हिस्सा आपको उठाना है, ये वाला। इसके बाद हम ये पानी में डालेंगे, ठीक है, पानी में डालेंगे। तो दो तीन हम स्पेसिमेन हम इस तरीके से, ये देखो पतला वाला है ना, इस तरीके से तो हम उठाएंगे इसको दो तीन, तो इस तरह से हमने पानी में डाला, ठीक है। तो पानी में डालने के बाद आप हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है इसको स्टेन करने का, जब स्टेन हो जाएगा तो हमें क्लियरली दिखता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे मैंने स्टेन डाली है, सेफ्रन के दो ड्रॉप्स इसमें डाले हैं, ठीक है। आप इनको यहाँ से उठा के हम स्टेन में डालेंगे, ठीक है, स्टेन में डालेंगे। ठीक है, बस कुछ टाइम के लिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, 5-10 सेकंड, ठीक है, जब तक कि ये स्टेन ले पाए इनके साइज, ठीक है। तो स्टेन लेने के बाद हम इसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये हमारा स्लाइड है, इसको पहले साफ करेंगे, ठीक है। स्टेन करने के बाद हम इनको उठाएंगे, ठीक है, केयरफुली हमें उठाना है, केयरफुल स्टेप है, तो ये उठाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। बस 1-2 सेकंड के लिए ऐसे ड्राई करेंगे इसको, ठीक है, पानी जो है नीचे गिरेगा, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, देखो आप लोग बाद में देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर डाला हमने इसको, इसको हम फोकस करेंगे, बड़े क्लियरली दिख रहा है आपको स्टोर, ठीक है, क्लियर स्टोर बेटा। अब इधर जिस तरह से देखोगे गार्ड सेल बीच में ओपनिंग है, छोटे छोटे ऐसे सर्कल जैसे दिखेंगे आपको, वो गार्ड सेल से बीच में क्या है, उन्हीं का बीच में जो पोर है वो क्या है, स्टोमेटा, तो बड़े क्लियरली से आपको दिखेंगे स्टोमेटा, ठीक है। इसको लाइट में यहाँ रखेंगे, एक एक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम फोकस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, कंडम भी आपको स्टोमेटा मिलेंगे, आराम से आपको मिलेंगे, छेड़ना नहीं है, हाँ देखो ये सब दिख रहे हैं, जो इनके बीच में पोर्स है, आराम से दिख रहे हैं, हाँ क्लियरली दिख रहे हैं सर, जो इनके बीच में पोर्स है इन्हीं को हम स्टोमेटा, बिल्कुल सही, चलो कुरात आ जा, वही स्टोमेटा है, सर हमें नीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, जहाँ से जो नीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड, इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं।